नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। धर्मशाला के मैदान पर खेले गए भारत बनाम श्रीलंका के बीच दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल करते हुए सीरीज अपने नाम कर ली है और अब भारतीय टीम श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने के इरादे से आज मैदान में उतरेगी। लेकिन इस मैच से पहले एक बार फिर वही सुनने को मिला जिसकी टीम इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय फैंस भी आदि हो चुके हैं। बता दें कि दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाज ईशान किशन को चोट लगी थी। इतना ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी करते वक्त ईशान किशन के सर पर बॉल भी लग गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया। हालांकि ईशान किशन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन उन्हें इस मैच के लिए आराम दिया जा सकता है। ऐसे में अब यहां ये सवाल आता है कि आज होने वाले मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत कौन करेगा। इस सवाल के जवाब में भारतीय टीम में कई विकल्प सामने आते हैं जो आज ईशान किशन की जगह पारी की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मयंक अग्रवाल का, जो इस सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के बाद टीम में आए हैं। मयंक अग्रवाल ने भारत के लिए अभी तक T20 अंतर्राष्ट्रीय में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन उन्हें T20 क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव है। मयंक अग्रवाल ने टेस्ट में तो अपनी काबिलियत साबित की है, लेकिन लिमिटेड क्रिकेट में वह मिले मौकों का कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए हैं। ऐसे में आज उन्हें एक और मौका देकर T20 में भी उनकी प्रतिभा की परीक्षा ली जा सकती है। इस कड़ी में दूसरा विकल्प है वेंकटेश अय्यर। अगर भारतीय कप्तान को लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बरकरार रखना है तो फिर वेंकटेश अय्यर एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने घरेलू क्रिकेट और IPL में अपनी टीम के लिए पारी की शुरुआत करते हुए ढेरों रन बनाए हैं। वेंकटेश अय्यर विस्फोटक बल्लेबाज हैं, तो ऐसे में वे पारी की तेज शुरुआत करते हुए रोहित के ऊपर से दबाव उतार सकते हैं। इसके अलावा संजू सैमसन भी भारतीय टीम के लिए एक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन शायद टीम मैनेजमेंट का ध्यान उन तक ना जाए क्योंकि इस वक्त मध्य क्रम में उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।